नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था विलयन, और विलयन में अपन ने देख लिया था विलयन की डेफिनेशन, और अपन पढ़ रहे थे विलयन के जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में पढ़ रहे थे। और जो अपन विलयन के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उनमें अपन ने ये पढ़ लिया था कि विलयन को विलय की मात्रा के आधार पर दो भागों में क्लासीफाइड किया गया है। एक अपन ने पढ़ लिया था, एक वर्गीकरण तो था अपना विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर तनु विलयन, यह अपन ने कल के वीडियो में देख लिया था, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा सांद्र सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन। इसके अलावा विलय की मात्रा के आधार पर ही अपन ने दूसरा क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें अपन ने विलयन को तीन भागों में डिवाइड किया था। एक था, ये दूसरा वर्गीकरण है जो अपन ने कल पढ़ा था, इसमें एक पढ़ा अपन ने असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इसमें, इसी में अपन ने दूसरा देखा था संतृप्त विलयन, दैट मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसी में तीसरी कैटेगरी देखी थी अपन ने अति संतृप्त, विलयन, जिसे अपन हाइपर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड भी बोलते हैं। ये अपन ने कल देख लिया था। इसके अलावा जो विलयन है, इसमें अपन ने एक वर्गीकरण और देखा था सी। ये जो दोनों वर्गीकरण थे विलयन के, ये किस आधार पर थे? ये थे विलय की मात्रा के आधार पर। ये दोनों ही वर्गीकरण विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के आधार पर थे। तीसरा वर्गीकरण अपन ने पढ़ा था विलयन का, विलयन को अपन ने तीसरा वर्गीकरण था विलय के कणों के आकार के आधार पर, विलय के कणों के आकार के आधार पर, ये भी अपन ने कल देख लिया था। और इसके भी तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है विलयन को। एक पढ़ा था अपन ने वास्तविक विलयन, अपना चैप्टर जो है सॉल्यूशन वो इस वास्तविक विलयन पर आधारित है। दूसरा पढ़ा था अपन ने कोलोइडी विलयन, और जो तीसरा पढ़ा है, तीसरी कैटेगरी बनाई थी वो बनाई थी निलंबित विलयन, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और ये हो गया आपका सस्पेंशन। इस प्रकार यहाँ जो रेंज थी पार्टिकल्स के साइज की, जो रेंज है वो लेस देन वन नैनोमीटर। विलय के जो कणों का आकार है
वो छोटा होगा 1 नैनोमीटर से। यहाँ जो रेंज सेट की गई है या रेंज निर्धारित की गई है वो है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। पुरानी किताबों में ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच बताई गई है। और तीसरा है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। इस प्रकार कल का जो वीडियो क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने विलयन को जब क्लासिफिकेशन पढ़ा, विलयन को अपन ने क्लासिफाइड किया, तो तीन प्रकार के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन पढ़े अपन ने। विलय की मात्रा के आधार पर तनु विलयन, तनु का मतलब जिसमें विलय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम हो, और सांद्र विलयन, सांद्र विलयन जिसमें तुलनात्मक रूप से विलय की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे विलयनों को अपन सांद्र विलयन कहेंगे। दूसरा वर्गीकरण पढ़ा अपन ने, जिसमें अपन ने असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। असंतृप्त का विलयन ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला जा सकता है। संतृप्त विलयन जिसमें कमरे के ताप पर या निश्चित ताप पर विलय की अधिकतम मात्रा को घोला जा चुका है, इसमें और अधिक विलय को घोलना पॉसिबल नहीं है। और अति संतृप्त का मतलब संतृप्त तापमान परिवर्तन करके या प्रायोगिक परिस्थितियों को बदल करके संतृप्तता की अवस्था से भी ज़्यादा विलय को घोल दिया गया है, तो ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन ऐसा विलयन है जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा हो, ऐसे विलयन को अपन वास्तविक विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में हो, ऐसे विलयन को अपन कहेंगे कोलोइड विलयन या कोलोइड कहेंगे अपन ऐसे विलयन को। और जब विलय के कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा तो अपन ऐसे विलयन को बोलेंगे निलंबित या सस्पेंशन कहेंगे। जो वास्तविक विलयन है वो प्रकृति में कैसा होता है, समांगी। और बाकी ये जो दोनों हैं कोलोइडी और सस्पेंशन है, ये दोनों कैसे होते हैं प्रकृति में, विषमांगी। ये जो बातें थी ये हमने हमारे कल की वीडियो क्लास में पढ़ी थी। आज अपन विलयन का एक और वर्गीकरण पढ़ेंगे विलयन की प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर भी विलयन को दो भागों में बांटा गया है, एक है समांगी यानी होमोजीनियस और एक है विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस। तो विलयन का जो अगला क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर है, वो है विलयन की प्रकृति के आधार। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के बेस दो भाग बना दिए गए हैं, दो कैटेगरी बना दी गई है। एक है पहली समांगी विलयन यानी होमोजीनियस सॉल्यूशन, और दूसरी जो कैटेगरी बनाई गई है वो बनाई गई है विषमांगी, विषमांगी सॉल्यूशन। विषमांगी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। समांगी और विषमांगी का क्या मतलब है? समांगी वैसे तो नाम को ही, नाम से अपने को पता चल जाता है, ऐसा विलयन जिसके सभी अंग समान हो, और विषमांगी यानी ऐसा विलयन जिसके सभी अंग समान नहीं हो। अब यहाँ समांगी को अपन समझेंगे कैसे, जैसे मैंने एक बिकर लिया और इस बिकर में मैंने पानी डाल लिया, थोड़ा सा, 1 लीटर आधा लीटर जो भी है पानी की एक निश्चित क्वांटिटी ले ली इसमें, और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक या चीनी मिलाई थोड़ी सी। पानी लिया अपन ने विलायक के रूप में और इसका विलयन बनाने के लिए अपन
इसमें विलेय के रूप में यानी सॉल्यूट के फॉर्म में क्या मिला रहे हैं, चीनी शुगर मिला रहे हैं। जब अपन इस पानी के अंदर चीनी को घोल देते हैं तो घोलने के बाद एक विलयन बनता है, बनता है जैसे अपन ने इसमें चीनी मिला दी, मिलाते ही क्या बन गया, घोलने के बाद क्या बन गया, चीनी का जलीय विलयन। चीनी का जलीय विलयन बन गया। अब आप इस जलीय विलयन के किसी भी भाग को उठा लें, आप जैसे अपन ने इसमें चीनी घोल दी और ये बन गया चीनी का जलीय विलयन, ये चीनी का जलीय विलयन बन गया। अब इस जलीय विलयन के किसी भी भाग का संगठन चेक करें अपन, यानी किसी भी भाग में पानी और चीनी का अनुपात चेक करें, अनुपात का पता लगाएं कि जैसे अपन यहाँ से इस नीचे के भाग का या इस कॉर्नर पर, ये मान लो कि ये कोना, ये जो कोना है इस कॉर्नर में पानी और चीनी का रेशियो चेक करें अपन तो वो समान मिलेगा, या फिर यूँ कहें कि यहाँ का जो पानी है उसका जो टेस्ट है वो चेक करें अपन तो टेस्ट इस भाग का जो टेस्ट रहेगा वही टेस्ट इस कोने का रहेगा, इस कोने का जो टेस्ट रहेगा वही बीच के भाग का रहेगा, यानी जो कॉम्पोजिशन यहाँ का है वही कॉम्पोजिशन इस भाग का है, वही कॉम्पोजिशन इस जगह का है, वही कॉम्पोजिशन इस जगह के, यानी विलयन के सभी भाग, प्रत्येक भाग का संगठन क्या रहता है, समान रहता है। तो ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित, ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक भाग का संगठन समान हो, प्रत्येक भाग का कॉम्पोजिशन सेम हो, ऐसे विलयनों को अपन बोलते हैं समांगी विलयन। और विषमांगी से मतलब क्या है, जैसे अपने पास एक बिकर है, बिकर में अपन ने विलायक भर लिया यानी पानी भर लिया, और इस पानी के अंदर मैंने जैसे मिट्टी मिला दी, मिट्टी किस रूप में मिला दी, विलेय के रूप में, पानी किस रूप में लिया आपने, विलेय के रूप में, मिट्टी को आपने घोल दिया, और घोलने के बाद जो विलयन है विलयन बना, ये बन गया मिट्टी का जलीय विलयन। अब इसमें यहाँ ऊपर का जो भाग है, यहाँ मिट्टी के पार्टिकल एक दूसरे से थोड़े दूर दूर रहेंगे और यहाँ मिट्टी कम रहेगी, जैसे जैसे अपन नीचे बढ़ते जाएंगे मिट्टी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी और नीचे पैंदे में मिट्टी ज़्यादा जमी हुई मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विलयन बना है, इस विलयन में विलयन के प्रत्येक भाग का कंपोजिशन सेम नहीं है। अगर अपन ऊपर का पानी लेते हैं, थोड़ा सा इस भाग का पानी लेते हैं, तो इस भाग में पानी और मिट्टी का जो अनुपात है, जो रेशियो है, अगर इस भाग का पानी लेते हैं अपन तो इस भाग में और इस भाग के पानी और मिट्टी के रेशियो में अंतर आ जाता है। यहाँ कंपोजिशन कुछ अलग, यहाँ पानी ज़्यादा मिट्टी कम है। जैसे अपन नीचे आते हैं यहाँ इसकी तुलना, इस भाग की तुलना में यहाँ मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ गई, और भी नीचे आते हैं तो यहाँ और पानी इसका पानी और मिट्टी का जो रेशियो वो अलग हो जाता है। यानी विलयन के अलग अलग भागों का कंपोजिशन भी अलग अलग है, ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं विषमांगी विलयन। तो समांगी का मतलब ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक भाग का कंपोजिशन, प्रत्येक भाग का संगठन समान हो, सेम हो, ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं समांगी विलयन। और विषमांगी का मतलब ऐसा विलयन जिसके प्रत्येक भाग का कंपोजिशन या संगठन समान न हो, ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं विषमांगी विलयन। विषमांगी विलयन में रक्त भी आता है, रक्त भी एक प्रकार का विषमांगी विलयन है। क्यों है विषमांगी विलयन, रक्त में लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, और उसके अंदर WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं।
जब ब्लड का एक सैंपल लिया अपन ने, ब्लड ले रखा अपन ने, उसके अलग 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 भाग का कंपोजिशन चेक करेंगे, तो उसके अलग अलग भाग का कंपोजिशन, अलग अलग भाग का जो कंपोजिशन है वो भी आपको क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा। तो रक्त भी किस प्रकार का विलयन है, एक प्रकार का विषमांगी विलयन है, और रक्त वैसे एक प्रकार का कोलोइडी विलयन है। तो ये तो हो गया प्रकृति के आधार पर सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन, प्रकृति के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को दो भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया है, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन और एक हेटरोजेनियस। होमोजेनियस दैट मीन्स सॉल्यूशन के प्रत्येक भाग का जो कंपोजिशन है वो यदि इक्वल रहे तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे होमोजेनियस, और अलग अलग भागों का कंपोजिशन भी अलग अलग हो तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे विषमांगी यानी हेटरोजीनियस सॉल्यूशन। अब अगला है, अगला एक क्लासिफिकेशन और है जो इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है विलयन की यानी विलयन में उपस्थित विलय और विलायक। अपन ने ये देखा था कि जो विलयन है वो विलयन दो प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। अगला जो क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का वो है आपका किस आधार पर, विलय दैट मीन्स सॉल्यूट, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था। आधार पर दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर जो सॉल्यूशन है उसको कई भागों में क्लासिफाइड कर दिया, नौ भाग बना दिए गए हैं। अब वो नौ कौन कौन से हैं उनको अपन एक टेबल से समझेंगे कि कौन कौन से हैं। वो यहाँ ले लगा देते हैं अपन क्रम संख्या, और यहाँ हो गया आपका विलायक यानी सॉल्वेंट, यहाँ हो गया आपका विलय यानी सॉल्यूट, और यहाँ हो गए एग्जाम्पल। विलायक के रूप में क्या ले सकते हैं अपन, विलायक के रूप में ले सकते हैं अपन ठोस एक नंबर, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इस प्रकार नौ भागों में क्लासिफाइड किया गया है। विलायक के रूप में ले सकते हैं अपन ठोस, फिर ठोस और फिर ठोस। जब विलायक के रूप में ठोस लेते हैं तो ऐसा जो विलयन है उसको अपन बोलते हैं ठोस विलयन। विलायक के रूप में ले सकते हैं अपन द्रव, द्रव और द्रव। जब विलायक के रूप में द्रव लेते हैं
तो ऐसे विलयनों को अपन बोलते हैं द्रव विलयन। जब अपन विलायक के रूप में गैस लेते हैं, गैस गैस और गैस, तो अपन ऐसे विलयनों को बोलते हैं गैसीय विलयन। सॉलिड सॉलिड और सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस और गैस, ये तो हैं आपके विलायक। अपन ठोस में किसको मिला सकते हैं? अपन ठोस में ठोस को मिला सकते हैं किसके रूप में? सॉल्यूट के रूप में। ठोस में अपन द्रव को मिला सकते हैं लिक्विड में, और ठोस में अपन गैस को मिला सकते हैं। विलायक भी ठोस और विलेय भी ठोस, यानी ठोस में ठोस को मिलाया अपन ने, ठोस में द्रव को मिलाया अपन ने, और ठोस में अपन ने गैस को मिलाया। ठोस में ठोस को मिलाया जा सकता है, ठोस में द्रव को मिलाया जा सकता है, और ठोस के अंदर गैस को मिलाया जा सकता है। फिर द्रव के अंदर भी क्या मिला सकते हैं अपन? द्रव में ठोस यानी सॉलिड को मिला सकते हैं, द्रव में द्रव मिलाया जा सकता है, और द्रव के अंदर गैस को मिलाया जा सकता है। गैस में भी अपन ठोस को मिला सकते हैं, गैस में अपन द्रव को मिला सकते हैं, और गैस में अपन गैस को भी मिला सकते हैं। इस प्रकार ये कुल 9 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए, जिसमें अपन ठोस में ठोस को मिला सकते हैं, ठोस के अंदर द्रव को मिला सकते हैं, और ठोस के अंदर गैस को मिला सकते हैं। द्रव में ठोस को मिलाया जा सकता है, द्रव में द्रव को मिलाया जा सकता है, और द्रव में गैस को मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार गैस में ठोस को मिला सकते हैं, गैस के अंदर द्रव को मिला सकते हैं, और गैस के अंदर गैस को मिला सकते हैं। जब विलायक के रूप में ठोस पदार्थ को काम में लेते हैं तो ऐसे विलयनों को अपन ठोस विलयन कहेंगे, जब विलायक के रूप में द्रव को काम में लेते हैं तो ऐसे विलयनों को अपन द्रव विलयन कहेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे, और जब विलायक के रूप में गैस को काम में लेंगे अपन तो ऐसे विलयनों को अपन गैसीय विलयन कहेंगे। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ठोस में ठोस जितने भी मिश्र धातुएँ हैं, जैसे कॉपर प्लस जिंक मिश्र धातु बन गई, दो धातुओं को मिला दिया अपन ने, दोनों धातुएं ठोस अवस्था में, दोनों को मिला करके अपन ने एक मिश्र धातु बना ली, वो किस प्रकार का विलयन हो गया कि ठोस विलयन हो गया। यानी सभी मिश्र धातुएं जितने भी अलॉय हैं वो सब इसी कैटेगरी में शामिल हैं। ठोस में क्या मिलाना है? द्रव्य मिलाना है। जैसे सोने में पारा, दैट मीन्स मरकरी, जो पारा है मरकरी है, वो सोने के अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है। सोना कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में। मरकरी कौन सी अवस्था में? कमरे के ताप पर, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो सोने में पारा पारे को घोला जा सकता है, और जब सोने में पारे को घोलते हैं तो सोना विलायक का काम करता है और पारा विलय का काम करता है। यानी सोने में अपने ठोस में किसको घोल दिया? द्रव को घोल दिया। और जब अपन लैब में काम करते हैं, केमिस्ट्री की लैब में जब आप काम करोगे तो आपको ये कहा जाएगा, जब कभी भी आप मरकरी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपसे ये कहेंगे, यदि आपने कोई सोने की वस्तु पहन रखी है तो उसको निकाल करके किसी अन्य स्थान पर रख दे। क्यों? क्योंकि सोना और मरकरी आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर लेती हैं? रिएक्ट करके अमलगम फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठोस में अपन क्या मिला सकते हैं? गैस मिला सकते हैं। जैसे पैलेडियम, जो कि एक धातु है, पैलेडियम की सतह पर H2 गैस का अधिशोषण। ठोस में ठोस सभी मिश्र धातुएं, ठोस के अंदर द्रव, सोने में पारा,
ठोस के अंदर गैस, जैसे ठोस पैलेडियम धातु है और उसमें उसकी सतह पर कौन सी गैस घुल गई है जा कर के, हाइड्रोजन गैस घुल गई है जा कर के। द्रव में ठोस जैसे पानी प्लस चीनी, या पानी में चीनी, पानी में नमक, पानी में और कोई भी ठोस वस्तु, या आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, ऐसा ठोस जो पानी में आसानी से घुल सकता है, पानी में नमक, पानी में चीनी एक्सेट्रा। द्रव में द्रव, द्रव में द्रव कोई भी लिख सकते हो आप, पानी प्लस एल्कोहल या फिर पानी प्लस दूध, कोई भी एक्सेट्रा, दो द्रव मिश्रणीय। द्रव में गैस, द्रव में गैस जैसे सोडा वाटर की बोतलें जो आप बाज़ार में पीते हो, जिसे अपन कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, सोडा वाटर। गैस के अंदर ठोस, यानी गैस में आपको ठोस पदार्थ हो, उस ठोस पदार्थ को गैस में डिजोल्व करना है। तो जैसे अपने अपना अपना जो अपने घरों में जो कपूर होता है, नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं, जब अपन कपूर को गर्म करते हैं तो कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो बिना द्रव अवस्था में ठोस से सीधा ही क्या बन जाता है, गैस अवस्था में चला जाता है। तो अपन ने जब कपूर को गर्म किया, जलाया, तो कपूर ठोस से गैस में बदल गया, यानी ठोस को अपन ने गैस में घोल दिया, डिजोल्व कर दिया। तो ये हो गया ठोस पदार्थों का ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड्स, ये सारे इसी के अंदर। गैस में द्रव को मिलाना अपने को, द्रवों का वाष्पीकरण, वाष्पीकरण दैट मीन्स वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन और गैस में गैस, यानी कोई भी गैस, सभी गैस या मिश्रण, सभी गैस ये मिश्रण, वो इस कैटेगरी में शामिल किए गए। इस प्रकार ये कुल 9 प्रकार के विलयन हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये किस आधार पर किया गया है, ये किया गया है विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो अपन ने इस प्रकार कुल 3-4 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं, जिनमें से ये जो क्लासिफिकेशन है, जिसमें अपन फिजिकल स्टेट के बेस पर सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं 9 भागों में, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई एग्जांपल पूछ लिया जाता है कि द्रव में द्रव का कोई एग्जांपल दो, या ठोस में ठोस विलयन का कोई एग्जांपल दो, या मिश्र धातुओं में उपस्थित विलय और विलायक की भौतिक अवस्था को पहचानिए, या फिर पैलेडियम की सतह पर पैलेडियम की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण है, तो इसमें कौन तो विलायक है और कौन है विलय। इस प्रकार के क्वेश्चन स्टेबल से, सारणी से पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया अपना विलयनों का जो वर्गीकरण है, और विलयनों का वर्गीकरण वाला पोर्शन। अपना जो अगला टॉपिक है, वो है विलयन की या विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाइयां। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली इकाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक पद यहां पर आता है सांद्रता, दैट मीन्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन विलेय की मात्रा
मिलियन की मात्रा किसी विलयन के निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की जो मात्रा होती है उस मात्रा को अपन बोलते हैं उसकी सांद्रता। विलयन की मात्रा जो है वो आयतन की इकाइयों में हो सकती है और यद्रव्यमान की इकाइयों में भी हो सकती है, आयतन की इकाइयों में हो सकती है। और जनरली अपन जैसे विलयन का आयतन काम में लेते हैं, यहाँ पर विलयन का आयतन और सांद्रता को जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो अपन काम में लेते हैं ग्राम प्रति लीटर। इस प्रकार अगर सांद्रता को अपन डिफाइन करें तो अपन यूँ डिफाइन करेंगे सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। जैसे एक लीटर जलीय विलयन है चीनी का, एक लीटर आपके पास पानी और उस एक लीटर पानी में आपने 250 ग्राम चीनी को घोल रखा है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अपन ये कहेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या है एट द इस टाइम पर, विलयन की सांद्रता है 250 ग्राम प्रति लीटर। यानी एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब किसी भी विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार की यूनिट्स, अलग अलग प्रकार की इकाइयां काम में ली जाती हैं। वो कौन कौन सी इकाइयां हैं, उनमें अपन कौन कौन सी यूनिट पढ़ेंगे, उनमें अपन पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटाइल। दूसरा अपन पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। तीसरा अपन पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक अपन पढ़ेंगे पार्ट पर ppm, पार्ट पर मिलियन। एक अपन पढ़ेंगे ppb, पार्ट पर बिलियन। एक अपन पढ़ेंगे मोल भिन्न या मोल अंश, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। एक पढ़ेंगे अपन मोलरता, एक पढ़ेंगे अपन मोललता और एक पढ़ेंगे अपन नॉर्मलता। तो इस प्रकार ये कुछ यूनिट्स हैं जो कि कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं और इनके बारे में चर्चा अपन अपनी अगली वीडियो क्लास में करेंगे। आई होप कि आज का जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहा और आपने अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए होंगे, उनको पढ़िए और अपनी समस्याओं को मुझे लिखकर भेज दीजिए। मैं अपनी अगली वीडियो क्लास में आपकी समस्याओं का समाधान कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।